और आपको एक अच्छी खबर भी दूंगा। हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज तो गाइस काफी मजेदार दिन होने वाला है। पापा ने सुबह एक दो बातें बताई तो आज का दिन काफी संघर्ष भरा और मजेदार भी होगा। तो आज मैंने गाइस क्रिकेट देखा था, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खेली, ये मुझे देखकर अच्छा लगा। उन्होंने उनके बॉलर सबने बहुत मेहनत की है। गाइस घर से फोन आ गया कि थोड़ी सौदा ले आओ जाके, तो जाते हैं थोड़ी सौदा ले आते हैं जाकर, चलते फटाफट। तो सौदा तो ले आए, आप घर पे देते सौदा फटाफट। तो गाइस दे आया हूँ दाल, सब कुछ दे आया। पापा से मैंने पूछा, पापा आपका कोई काम? पापा बोले अभी कोई काम नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो गाइस रूम में 2 घंटे बैठा था, अब खाना बन गया तो खाना खा लेते हैं जाकर। तो गाइस दाल चावल हमारा आ गया, हम दाल चावल खाते हैं। खाना खाया हूँ, पापा की गाड़ी में पेट्रोल डला लाऊ जाकर। आज पेट्रोल डला लिया, बाइक बाहर खड़ी है और पापा के काम से भी जाना है। पसीना इतना इसलिए आ रहा कि गाड़ी पैदल खींच के लेके गया और पैदल मकैनिक की दुकान तक ले गया, क्योंकि तेल खत्म कर दिया था भाइयों ने और गाड़ी मुझे खींचनी पड़ गई। तो गाइस चल दिया हूँ, और पहले तो विनय भाई को खाना दूंगा और फिर पापा की बैंक जाऊँगा और फिर नया बॉक्स लेने जाऊँगा अगर मिला तो, और फिर मिक्सी की रबड़ भी लेने जाऊँगा, फिर घर पर आऊँगा। ये खड़ी हमारी बाइक आ गए विनय भाई के, हाँ सलून लेते हमने खाना, चलते पापा की बैंक। गाइस पापा की बैंक आ गए, इलाहाबाद बैंक आ गए। गाइस बैंक से निकला है और पापा का फॉर्म ले लिया है एटीएम भरने के लिए, और कैश का काम था वो भी निपटा दिया है। अब चलते हैं बॉक्स के लिए। तो गाइस गर्मी में हालत तो ख़राब हो गई, बॉक्स तो मिला नहीं, मिट्टी के जार की रबड़ के लिए आए हैं, जब मिलती है कि नहीं मिलती पता नहीं। तो गाइस रबड़ तो डरा ली है, जार की अब भर जाते हैं फटाफट। तो गाइस अपनी गली में तो आ रहा है और पसीना रो कितना आ रहा है, अपना सामान लेते हैं बॉक्स चलते हैं। तो गाइस सब कुछ दे दिया है, तो भी एक काम रहेगा कि फ्रूट से लाना था, फ्रूट से लेके आते जाकर। तो गाइस फ्रूट तो ले लिया हमने, अब हम जा रहे हैं घर पर, केले देख के आ गए घर पर, अब रूम में जाते हैं अपने। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, और जो टीका जो लगा है वो पंडित जी आए थे, पापा जी ने बुलवाया था, तो उनकी तो वीडियो बना नहीं सकते कि किसी के बिना पूछे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो मैं पूजा कर लेता हूँ, बाद में चाय पीऊँगा और आपको एक अच्छी खबर भी दूंगा। तो गाइस पूजा तो मैं कर चुका हूँ, अब जा रहा हूँ चाय पीने और पकौड़ी खाने। अरे पकौड़ी और चाय। तो गाइस मैं यहाँ आया और विकास भाई ब्लॉग देख रहे हैं सौरभ जोशी का, सौरभ जोशी यूरोप का है। पकौड़ी चाय खा के आगे मैंने आपको पता है गुड न्यूज़ सुनाऊंगा। गाइस मैं हफ्ते भर के बाद घूमने जा रहा हूँ, बाहर घूमने जा रहा हूँ, मगर वो सरप्राइज है कि कहाँ घूमने जा रहा हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ घूमने जा रहा हूँ मैं। अगर आप सौरभ जोशी का भी ब्लॉग देखते तो भाई मैं भी देखता हूँ, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, मैं भी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई सब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो भाई कोफ्ते की सब्जी और रोटी और चावल, कोफ्ते सब्जी के साथ नहीं खाता, पकौड़ी खा लेता हूँ मैं, तो मैंने कोफ्ते मना कर दिए। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, विकास भाई से मेरे मिलते रहना। भाई देखो चचा कितने उम्र दराज है, सौदा दे रहा है, आज उनके बेटे नहीं है तो चचा दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो नु लाइक करो, शेयर करो ते कमेंट करना ना भूलो है।